आप लोग निकलते थे राधा भाई उधर आए संगीता हो गया हेलो आप इसने लोगों को है ना कि उसमें होते हुए आप अपने तरफ से इतना अनाज रिटर्न कर रहे हैं और कुछ थोड़ी आप जानकारी देना चाहें। देखिए ये मेरी तरफ से क्या है, ये तो ईश्वर का दिया है, उन्हीं के भाग्य का। मैं माध्यम हूँ, मैं अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मेरा जन्म सफल हुआ है। ऐसे कई मौके आए जिसमें ईश्वर ने मुझे मौका दिया है कि मैं माध्यम बनूँ और ऐसे जो जिनको मजबूर है, जिनको परेशानी है, जिनकी दिक्कतें हैं, उनके लिए मैं खड़ा रहूँ। तो मैं ईश्वर का धन्यवाद देता हूँ। लगातार जो लॉकडाउन है, जब से ये शुरू हुआ है लॉकडाउन, चूँकि कोरोना महामारी से बचने का एकमात्र उपाय है, लेकिन उसमें जो समस्याएं खड़ी हुई रोजगार, चूँकि हमारे यहाँ तो भोपाल में कई ऐसी जगह हैं जहाँ पति पत्नी दोनों काम करते हैं, मजदूर वर्ग है, घर में काम करने वाले जाते हैं, रोजगार नहीं है और इतना धन संचित नहीं होता कि वो लोग जो है 3 महीना सस्टेन कर सकें उससे ज़्यादा भी। तो जो है उस दिन से ही हम लोगों ने बराबर सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए, मेरे युवा साथी हैं उन्होंने मुझे बहुत ही चकित किया, इंस्पायर किया है, क्योंकि इस उम्र में जो युवा है मेरे, वो बिना किसी मतलब पूरी तरह जुटे हुए हैं और जो भी हम लोग कर पा रहे हैं ये ईश्वर कर रहा है उनके भाग्य का और हम सब युवा साथी मिलकर कर रहे हैं। कई ऐसे युवा हैं जो बेचारे जिनके घर में खुद स्वयं पिता नहीं रहे, किसी के घर में बीमारी, लेकिन बराबर वो सेवा का काम कर रहे हैं। तो हम रोज़ जो है 400-500 परिवारों को देने की कोशिश करते हैं और सुबह वार्ड में चले जाते हैं, वहीं पर देते हैं और शाम को ऑफिस में आ चुकी एक बार था तो अग्रसेन भवन में करीब 400-500 महिलाओं को, परिवारों को बुलाया, चिन्हित किया हुआ है। और ये युवा मेरे वॉलंटियर्स ग्राउंड पे जाके चिन्हित करते हैं जिन्हें बहुत ज़रूरत है, उनको हम लोग बुला के एक टाइम पे बुलाते हैं ताकि वो धूप में घूमे नहीं, घंटों बैठना ना पड़े, एक टाइम पे बुला के उनको वितरित करते हैं। क्या क्या बांट रहे हैं आप राशन के अंदर? उसमें हम आटा बांटते हैं, गेहूँ है, चावल है, दाल है, तेल है, शक्कर है, चाय की पत्ती है, मसाले हैं, नमक है, सब बांटते हैं। लॉकडाउन का समय है, ये सबसे अच्छा समय है। मैं आपके टीवी के माध्यम से मेरे सारे युवा साथियों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि लॉकडाउन को उपयोग करें, सदुपयोग करें और अपना गुटखा है, नशे का जो व्यसन आपको आदत है उसको छोड़ दें, क्योंकि ये नशा जो सूखा नशा है, सिगरेट है, गुटखा, यही आपके फेफड़ों को कमज़ोर करता है। कोरोना जो महामारी बन के उभरा है वो भी आपके अल्टीमेटली रेस्पिरेटरी ब्लॉक को अलग अटैक करता है, आपकी जो सांस लेने की क्षमता को अटैक करता है। तो आप नशा छोड़ दें, आज ही से छोड़ दें, सुबह फ्रेश ऑक्सीजन लें, एक्सरसाइज करें, हेल्दी रहें, ताकि आप अपने माता पिता की, परिवार की और फिर बाकी जो पड़ोसी और मोहल्ला और शहर, प्रदेश और देश के लिए कुछ अच्छा करने के लिए शायद आपका जीवन उसके बाद तैयार रहेगा, ताकि ईश्वर जब मौका देगा आप कुछ अच्छा कर पाएंगे और अपने अपने नाम को अमर कर पाएंगे।